हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा था रेखाएं और कोण। रेखाओं के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और कोण के बारे में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं हमारा क्या टॉपिक है, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या है हमारी और तिर्यक रेखाएं क्या हैं, इसके बारे में हम इस कक्षा में अच्छे से पढ़ेंगे। देखते हैं समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। आपको याद होगा कि वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तिर्यक रेखा कहलाती है, ट्रांसवर्सल कहलाती है। अब जैसे ये वाली रेखा क्या हो गई आपकी, ये आपकी रेखाएं, दो रेखाएं आ रही एक दूसरे के समांतर आ रही हैं और एक तिर्यक रेखा, एक तीसरी रेखा आकर इन दोनों को काट देती है। क्या हो गई है इसकी, तिर्यक रेखा। देखिए आकृति, रेखा एल रेखा एम और एन को क्रमशः बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए ये एन है, ये एम है और रेखा कौन सी हो गई आपकी, ये एल हो गई, और ये कौन सी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर दिया है, क्यू और पी पर प्रतिच्छेद ये आपकी कर रही है। अब अतः रेखा एल रेखाओं एम और एन के लिए एक तिर्यक रेखा है। कैसी है, तिर्यक रेखा है। देखिए कि प्रत्येक बिंदु पी और क्यू पर चार कोण बन रहे हैं, कितने कोण बन रहे हैं, चार कोण। ठीक है, अब देखिए 1 2 7 और 8 बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल्स कहलाते हैं और 3 5 4 और 6 अंत्य कोण इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। कौन कौन से हैं अब देख लेते हैं, 1 2 ये आपके बाहर की तरफ है और आपका 7 और 8 ये बाहर की तरफ है। तो जो बाहर की साइड है आपके वो क्या हो गए हमारे, कोण 1 कोण 2 कोण 7 और कोण 8, ये क्या हो गए आपके बाह्य कोण, बाह्य कोण। इसी प्रकार आपके 3 4 5 6 ये क्या हो गए आपके अंतः कोण, अंतः कोण। इनको क्या बोलेंगे आप, इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए कौन कौन से हैं, ये आपका 3, ये आपका 4 5 और आपका 6, ये आपके कैसे कोण हो गए, इंटीरियर। इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए हमें कोण 1 2 3 जो एंगल आपको दिए गए 180 डिग्री सिद्ध करना है। आइए भुजा क्यू आर के समांतर उसके सम्मुख शीर्ष पी से होकर एक रेखा एक्स पी वाई खींचें। अब देखिए आपको क्यू दिख रही होगी, ये आर है और ये क्या है आपका पी, और एक्स वाई एक हमने क्या करी है, रेखा खींची है, ये एक्स है आपका और ये यहाँ पर वाई है। ऐसी आकृति 6.35 में दर्शाया गया है। इससे हम समांतर रेखाओं से संबंधित गुणों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए यहाँ पे आपका 2 दिया गया है, ये आपका 3 आ गया, यहाँ से आपका क्या आ गया 4 आ गया, ये आपका क्या आ गया 5 आ गया और ये आ गया आपका 1। इतना आपको समझ में आया। और अब एक्स पी वाई एक रेखा है, तो एक्स पी और वाई क्या है, एक रेखा है जिसमें 4 ये वाला जो हमारा कोण है, कोण 1 ये और कोण 5 तीनों मिलकर क्या बनेंगे 180 डिग्री। कोई भी अगर आप रेखा लेते हैं उसका इतना जो एरिया होता है, ये जो एरिया है आपका क्या होगा 180 डिग्री, और अगर इस एरिया को आप फुल कर देंगे पूरा वृत्त बना देंगे तो ये आ जाएगा 360 डिग्री, जो टोटल होगा 180 डिग्री ये वाला और 180 डिग्री आपका ये वाला। तो हमारा जो कोण बने हैं सारे मिलकर क्या बन रहे हैं 180 डिग्री। तो परंतु एक्स पी वाई समांतर है क्यू आर के, तो एक्स पी वाई हमारा किसके समांतर है, क्यू आर के। तो दोनों रेखाएं क्या हैं इनकी, समांतर आ रही है ना आपकी, देखिए ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है समांतर है, और पी क्यू और पी आर क्या है तिर्यक रेखाएं हैं, पी क्यू और आपकी पी आर कैसी है तिरछी रेखाएं, इनको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर तिर्यक रेखाएं।
रेखाएं आपकी इस प्रकार ये यहाँ से बन जाती हैं। और ये क्या हो गई हमारी समांतर रेखाएं, इनको हम लिख देते हैं, नाम दे देते हैं, क्या समांतर लिख लेते हैं, क्या नाम देंगे, समांतर रेखाएं। इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब दिया गया है अभिग्रहित 6.3। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, यह हमें देखना है। तो अभिग्रहित 6.3 आपको दिए गए हैं, में संगत कोण अभिग्रहित भी कहा जाता है। आइए अब इस अभिग्रहित के विलोम कन्वर्स की चर्चा करें, जो निम्न है, क्या क्या है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, यह आपको बताना है। क्या यह कथन सत्य है? इसकी जांच निम्न प्रकार से की जा सकती है। कैसे होगी? एक रेखा ए डी खींचिए। अब देखिए, एक रेखा ले ली ए और डी, यहाँ पे हमने क्या बना ली, एक रेखा यहाँ से क्रिएट कर ली, खींच ली, ए और डी। अब क्या करेंगे, और उस पर दो बिंदुओं बी और सी अंकित कीजिए। तो इस पर मैंने दो बिंदु ले लिए यहाँ से, बी और आपका एक सी। इतना समझ में आया आप सबको? अब बी और सी क्रमशः ए बी क्यू और बी एस की रचना कीजिए। तो आपसे क्या बनेगा, हमने क्या किया, इसमें क्यू बना लिया यहाँ तक, और ये बना लिया आपको एस। तो समझ में आया आपको? अब देखिए, यहाँ से ए बी क्यू, ए बी क्यू आपका ये बन गया, और आपका बी सी एस, बी सी एस आपका ये बन गया। ये रचना कीजिए जो बराबर है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। तो हमने पूरी रचना कर ली, ये पूरा हमने यहाँ पे पहले ए बी बनाया था, ए और डी, फिर हमने दो बिंदु लिए हैं यहाँ पर, कौन से, बी और सी, फिर आपने क्या किया यहाँ पर, क्यू, और ये आ गया आपका एस। इतना आपको समझ में आया? और ये आ गया आपका यहाँ पर पी, और ये आ गया आपका यहाँ पर आर, ये आपका सेकंड आ गया। इतना समझ में आया आप सबको? अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अभिग्रहित 6.4। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। क्या हम एक तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर बने एकांतर अंतः कोणों के बीच कोई संबंध ज्ञात करने के लिए संगत कोण अभिग्रहित का प्रयोग कर सकते हैं, यह हमें देखना पड़ेगा। तो आपने क्या किया है, हमने दो समांतर रेखाएं ली हैं, यहाँ पर हमने दो समांतर रेखाएं ली हैं ए, एक लिए यहाँ पर हमने बी, और नीचे हमने कौन सी रेखाएं ली हैं, सी और आपकी डी। इतना आपको समझ में आया? अब देखिए, एक तिर्यक रेखा हमने यहाँ खींच दी, इसमें क्या आ गया, पी यू और क्यू, ये क्या आ गया आपका आर, और ये आ गया आपका एस। इतना आपको समझ में आया? अब देखिए, आकृति 6.21 में तिर्यक रेखा पी एस समांतर रेखा ए बी, तो ए बी क्या है, इनकी समांतर रेखा आपको दिख गई होगी, और सी डी भी क्या है, क्रमशः बिंदु क्यू और आर पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो कौन से बिंदु पर ये काट रही हैं, क्यू पर, और एक बिंदु है आपका आर, इस पर ही प्रतिच्छेद करती हैं। क्या बी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर सी और ए क्यू आर इज इक्वल टू क्या है, क्यू आर डी है? तो ये हमें बताना, प्रूफ करना है इसको, किस तरीके से हम करेंगे। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज पी क्यू ए बराबर है त्रिभुज क्यू आर सी की, ये बन वन हो गया आपका, तो संगत कोण क्या हो गए, अभिग्रहित हो गए। क्या त्रिभुज पी क्यू ए बराबर है बी क्यू आर है, तो क्या होगा, ये समीकरण दो आ गया। इसलिए समीकरण एक और समीकरण दो से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, कि त्रिभुज बी क्यू आर, अब देखिए बी क्यू आर कहाँ है, बी क्यू आर आपका जो त्रिभुज ये जो बना है आपका, ये किसके इक्वल है, क्यू आर सी के, क्यू आर सी के इसके इक्वल है क्यू आर सी के, और ए क्यू आर, ए क्यू आर आपका ये क्या बराबर हो गया, क्यू आर सी के। अब लेते हैं हम यहाँ पे ए क्यू आर, आपका ए क्यू आर ये वाला
दिख गया होगा आपको, किसके बराबर है त्रिभुज क्यू आर डी के, क्यू आर डी। इतना आपको समझ में आया? अब आगे देखते हैं। देखिए, अब देखिए दिया गया है प्रमेय 6.2, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इतना आपको पता चल गया। अब संगत कोण अभिग्रहित के विलोम का प्रयोग करके क्या हम एकांतर अंतः कोणों के एक युग्म के बराबर होने पर दोनों रेखाओं को समांतर दर्शा सकते हैं? आकृति 6.22 में क्या दिया गया है? तिर्यक रेखा PS रेखाओं AB और CD को क्रमशः बिंदु Q और R पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि त्रिभुज BQR बराबर है त्रिभुज QRC के। तो आपको ये रेखाएं दी गई हैं AB और एक रेखा दी गई है आपको CD। ये क्या आ गया आपका Q, ये आ गया आपका R और ये आपकी जो रेखा आ गई क्या आ गई PS। अब देखिए AB समांतर है किसके? CD के। इतना आपको समझ में आया। अब त्रिभुज BQR इज इक्वल टू किसके है? त्रिभुज PQA के। तो ये क्या आ गया 1। इसी प्रकार क्या हो गया BQR बराबर है QRC के, दिया है समीकरण 2 आ गया आपका। अतः 1 और 2 से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रिभुज PQA बराबर है त्रिभुज QRC के। ये हम देख सकते हैं यहाँ से त्रिभुज PQA, तो त्रिभुज PQA बराबर है त्रिभुज QRC के। तो क्यों कहा है आपका मेरा QRC, ये इसके बराबर आ गया आपका। अब परंतु ये संगत कोण है, कैसे कोण है? संगत कोण है, तो AB आपका इक्विवेलेंट होगा CD के। तो क्या है? संगत कोण अभिग्रहित का विलोम होता है। इतना हमने इस चीज़ को समझ लिया। अब देखिए आपको दी गई है प्रमेय 6.3, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इस प्रकार आप तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों से संबंधित निम्नलिखित दो प्रमेय प्राप्त कर सकते हैं। प्रमेय 6.4, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। तो आप जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, जैसे यहाँ पर हम बना लेते हैं और ये तिर्यक रेखा हो गई, तो क्या बोल रहे हैं कि इनके, अब देख लेते हैं पहले ये हमारे कौन से कोण हैं, ये अंतः कोण हो गए दोनों और ये दोनों हो गए बाह्य कोण। तो इसको पढ़ लेते हैं कि दोनों रेखाओं प्रतिच्छेद करें एक का अंतर अतः अंतः कोणों का युग्म बराबर है तो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो रेखाएं क्या हैं आपकी? समांतर हैं। अगर इनका योग क्या हो गया? बराबर आ गया। उसी प्रकार एक तिर्यक रेखा जो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के ही एक ही ओर के अंतः कोण, तो एक ही ओर के अंतः कोण कौन से हो गए? ये वाले का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। मतलब क्या हो गया? इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए आपका? 180 डिग्री। इतना समझ में आया। अब देखिए प्रमेय 6.5, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का एक युग्म संपूरक है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। क्या हो गया? दोनों कोणों का एक युग्म क्या हो गया? संपूरक है। तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या हो जाती हैं? समांतर होती हैं। तो दोनों कोणों का युग्म संपूरक है मतलब 180 डिग्री है। तो दोनों जो परस्पर समांतर होती हैं तो ये जो रेखाएं हो जाएंगी ये क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ AB दी गई है सपोज और यहाँ पर CD दी गई है, तो हम कैसे करके लिख सकते हैं? AB समांतर है CD के और ये क्या हो गया? एक तिर्यक रेखा भी यहाँ से आई हुई है, तो ये इसके जो अंतः कोण है जो इनका योग क्या हो गया? संपूरक कोण। क्या हो गए? संपूरक कोण। तो आज हमने क्या सीखा कि किस प्रकार
कोण संपूरक कोण बनते हैं, किस प्रकार कोणों को उनके कोण के अनुसार रखा जाता है, न्यून कोण क्या है, और हमारे समकोण किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार हमने उदाहरणों को इसमें करते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए थैंक यू।